गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में अपन बात करेंगे कि यार बारिश में मोटो ब्लॉगिंग कैसे की जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने अपना रेडी करके रखा हुआ मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। अभी इसके लिए क्या करना है, हमेशा इसको बारिश से बचाने के लिए मैंने एक ले लिया है क्ले, जो कि नॉर्मली एक स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। फिलहाल मैंने लिया है, ये केवल 25 रुपीज़ का है। एक पुट्टी होती है एक तरह की, जिससे हम ना जो हमारे माइक अडेप्टर के जो पोर्ट्स है उस पर हमें इसको चिपकाना रहता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने एक्चुअली फाड़ दिया था। इस टाइप की कुछ पुट्टी रहती है। सो गाइस, अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ये जो क्ले है, पुट्टी है, ये एक्चुअली हमेशा थोड़ी सी ना गीली टाइप की रहती है और चिपकती नहीं है। तो हालांकि लोग थोड़ा ज़रूर ख़राब हो गया इसका गोप्रो का देखने में, लेकिन भाई सेफ्टी ज़रूरी है। तो ऐसे कई लोग मेरे से पूछे कि यार इसको लगाने के बाद कुछ ऐसा ऐसे गोप्रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है, गोप्रो अपना सेफ रहता है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर इसको अपन ट्राई करते हैं पानी में डुबो के कि अंदर कहीं पानी तो नहीं जा रहा है इसके कनेक्टर के साइड से, पोर्ट्स से। तो चलिए चलते हैं। प्ले भी कर लेते हैं, और इसका वीडियो मैंने प्ले कर दिया है फिलहाल। अब इसको अपन देखते हैं, पानी थोड़ा सा और डालते हैं, काफ़ी सारा पानी मैंने इसमें डाल चुका है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो भाई साहब, ये अभी अपन ने पूरा भिगो के देख लिया, कोई इशू नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़िया मोटो ब्लॉगिंग तो कर ही सकते हो बारिश में इस तरीके से क्ले लगा के। ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा अभी आपको, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।